वेलकम बैक वीयर्स टू द चैनल होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे तो इस वीडियो में मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ टमाटर मुर्गी की जो बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है रोटी के साथ दाल चावल के साथ दोनों का इसका कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है अच्छा इसके लिए मैंने हाफ़ के जी इस तरह टमेटोज़ लिए और इसको हमने जूसर में थोड़े से पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ठीक है आप फ्रीज़र के टमेटोज भी ले सकते हैं फ़्रेश भी ले सकते हैं लेकिन इसको लाजमी ब्लेंड करके इस तरह का पेस्ट आपने बना लेना है थोड़ा सा रनी भी हो पेस्ट तो कोई बात नहीं है उसके बाद हमने हाफ़ कप ऑयल लेना है उसमें तीन मीडियम साइज के हमने प्याज़ ऐड करने रफ से चॉप करके ऐड कर दें और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें जब इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे फिर ड्राई मसालों में वरना हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है टू टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर है और वन टी स्पून इसमें धनिया पाउडर है ये बेसिक से मसाले हैं जो इसमें ऐड हो जाने हैं एंड में एक दो चीज़ें जो ऐड होंगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है थोड़ा सा हमने बस मसाले को भूनना है और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है वन टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड करने के बाद फिर इसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे सारा और हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे कि टमाटर का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और टमाटर अच्छे से भुन भी जाए इसमें जो टमाटर का कच्चा पन है वो सब ख़त्म हो जाए टमाटर पक जाए ठीक है तो ये सब चीज़ें ऐड करके हमने इसको कवर किया और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया अब देखें टमाटर का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है अब इस स्टेज पे हमने इसको थोड़ा सा भूनना है साथ ही हमने इसमें तकरीबन 750 फिफ्टी ग्राम्स चिकन थी यानी तीन पाव चिकन थी वो इसमें ऐड कर देनी है और हमने इस चिकन को भी हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है ताकि ये भी मसाले में अच्छे से भून जाए कुक हो जाए अच्छा 750 फ़िफ्टी ग्राम्स चिकन में हाफ़ के जी टमेटोज़ बहुत परफेक्ट रेशियो है चिकन जितनी हो उससे टमाटर थोड़े से कम रखने हैं दही ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये इसका परफेक्ट सा रेशियो है जब चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगी तो फिर हमने इसमें हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है ये हमने एंड में ही इस स्टेज पे ऐड करना है पहले नहीं ऐड करना ठीक है ये डाल के भी हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे फाइव टू सेवन मिनट्स इसको मज़ीद हम पका लेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से मसाले में ऐड हो जाए ऊपर से बस हमने इसमें धनिया स्प्रिंकल करना है अच्छा थोड़ा सा इसको थिक थिक ही जो है रखना होता है बाकी अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी चाहें तो आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक मेरी रिकमेंडेशन पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफिज़